कप्तान ने लाहौर की अहम पिच पर दो मंझे खिलाड़ी उतारे, तीसरे का इंतजार। चौधरी परवेज इलाही स्पीकर, चौधरी सरवर बनेंगे पंजाब के गवर्नर। एक मजबूत अपोजिशन के खिलाफ मजीद दिलचस्प हो गया खेल। परवेज इलाही के पास वजारत आला का भरपूर तजर्बा, चौधरी सरवर पहले भी गवर्नर रह चुके। पीटीआई चेयरमैन की जानिब से दोनों की बाज़ाब्ता नामजदगी। इमरान खान 18 अगस्त को वजीर आजम का हल्फ उठाएंगे, फैसल जावेद की तस्दीक। परवेज इलाही के मुकाबले पर उम्मीदवार लाने के लिए लीगी क्यादत के भी सुलह मशवरे। नून लीग के स्पीकर पंजाब असेंबली और डिप्टी स्पीकर के लिए खलीफ जमातों से राबते। नून लीग की पंजाब में पार्लियामानी पार्टी का इजलास इतवार या पीर को बुलाए जाने का इम्कान। ऑफशोर कंपनी आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम, अब्दुल अलीम खान नैब में पेश। बोले, इदारों को मजबूत बनाएंगे, नैब जब भी बुलाए आऊंगा। मेरे खिलाफ नैब में दरखास्त आयाज सादिक के कोऑर्डिनेटर मौजूदा लॉर्ड मेयर लाहौर ने दी। वजीर आला पंजाब बनने की कोई ख्वाहिश नहीं, इमरान खान जो फैसला करेंगे दिल से कबूल होगा। स्कैंडल और ऑरेंज ट्रेन की तहकीकात में नया रुख, पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले प्राइवेट अफसरों की तैनातियों का केस भी खुल गया। एलटीए में तैनात 3 प्राइवेट अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू, नैप ने 16 अगस्त को तलब कर लिया। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी पर पीएसएल में मुबैना करप्शन का इल्जाम, तहरीक इंसाफ का तहकीकात का मुतालिबा। रहनुमा पीटीआई जावेद बदर ने नैब को खत लिख दिया। सीईओ निशाद चूनिया मिल्स शहजाद सलीम हाजिर हूं, नैब ने फवाद असंतवाद के बयान पर शहजाद सलीम को 13 अगस्त को तलब कर लिया। निशाद चूनिया मिल्स मियां मंशा की मिल्कियत है। कितना माल बनाया पुलिस अफसरान को भी बताना होगा। पुलिस अफसरान के असासों की छानबीन का फैसला, आईजी पंजाब ने तमाम अफसरान से रिकॉर्ड मांग लिया। पुलिस सर्विस में आने से पहले और बाद की जायदाद की तफसीलात देने का हुक्म। नाजायज असासाजात का केस अहद शिमा एहतसाब अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम को 11 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। अहद शिमा को रुपए की 21 जायदादों के मालिक। मुलजिम अहद शिमा ने भाई के अकाउंट में $2,00,000 ट्रांसफर किए। नैब तफ्तीशी अफसर का अदालत में बयान, अदालत में केसेस का रश। अहद शिमा को अदालत के बाहर 2 घंटे बेंच पर बैठकर इंतजार करना पड़ा। चौदह अगस्त को यौम आज़ादी न मनाने का बयान, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के खिलाफ अंदराजे मुकदमा के लिए सेशन कोर्ट में दरखास्त। अदालत ने SHO मॉरल टाउन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। ना तर्स ना ही हाथ कांपे, सौतेली मां ने 3 साल कली मसल डाली। फायका ने बादामी बाग में ममता का गला घूंटकर मरियम का गला काट दिया। कातिला शोहर की तीसरी बीवी थी। फायका कार्रवाई के बाद मौके से फरार, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। ताजबाग में तेज रफ्तार पुलिस वैन शहरियों पर चढ़ गई, हादसे में 6 अफराद जख्मी। वाके पर शहरी मुश्तैल, पुलिस की गाड़ी का घेराव, तोड़फोड़ की कोशिश, एहलकारों के साथ हाथापाई।
पुलिस मोबाइल का ड्राइवर नशे में था, एनी शाहिदीन का इल्जाम। माले मुफ्त दिले बेरहम, अरबों रुपए के फसाले का शिकार। पीआईए में मुफ्त टिकट्स की लूट सेल। कराची से इस्लामाबाद के लिए फनकारों को 100 रिटर्न टिकट मुफ्त तकसीम। साबिक वफाकी वजीर महताब अब्बासी की हिदायत पर पीटीवी अवार्ड शो की तकरीब के लिए मुफ्त टिकट्स जारी किए गए। तर्जुमान पीआईए। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत के शाहाना इखराजात। लाहौर न्यूज की खबर पर ऑडिटर हुकाम इन एक्शन। शाहाना इखराजात और तोहफे तहाइफ का स्पेशल ऑडिट करने का फैसला। महकमा खजाना पंजाब से साबिक दौरे हुकूमत में होने वाले अखराजात की तफसीलात तलब। साबिक दौरे हुकूमत में 45 करोड़ रुपए सालाना इजाफी खर्च हुए। अल्लाह का शुक्र है, चोर लुटेरे हुक्मरानों से निजात मिली। शहबाज शरीफ ने 10 साल ड्रामा किया, आवाम को साफ पानी तक न दे सके। इंशाअल्लाह दयानतदार लोगों को जिम्मेदारियां देंगे जो आवाम के लिए काम करेंगे। डॉक्टर मुराद रास का पीटीआई उलमा विंग की यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब। महकमा खुराक किसानों को सहूलियात देने में हर मुमकिन इकदाम उठाए। जमा शुदा जरई इजनास का कोई दाना जाया नहीं होना चाहिए। सूबाई वजीर खुराक सरदार तनवीर इलियास का महकमाना इजलास से खिताब। सेक्रेटरी खुराक शौकत की भी ब्रीफिंग। सहूलियात के बावजूद लाहौर तालीमी मैदान में सबसे पीछे। मैट्रिक नताइज में अजलाही दर्जा बंदी जारी। लाहौर पंजाब में टॉप 10 अजला में भी जगह न बना सका। तालीमी मैदान में चकवाल पहले, मुल्तान दूसरे और रहीम यार खान तीसरे नंबर पर। पेफ पार्टनर स्कूलों को फंड्स की अदम अदायगियों का मामला। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एहतजाज की हिकमत अमली तैयार कर ली। सदर एप्सा शब्बीर हाशमी कहते हैं, फंड्स की अदम अदायगी से तालीमी निजाम तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। 17 अगस्त तक अदायगियां ना की गईं तो पेफ ऑफिस के बाहर धरना देंगे। बल्दियाती इदारों पर मेहरबान, यूनियन काउंसिल्स के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। शहर समेत पंजाब भर की यूनियन काउंसिल्स के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। हर यूनियन काउंसिल को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। लाहौर फतह करने की जंग, बड़े बड़ों की जमानतें जब्त। 1/4 वोट ना लेने पर 160 उम्मीदवारों में से 121 की जमानतें जब्त। सिर्फ 28 उम्मीदवार ही महफूज रह पाए। जईम कादरी, लियाकत बलोच, समीना खालिद घुरकी, जवाद अहमद और आजासम शरीफ की भी सिक्योरिटी जब्त। कौमी असम्बली के हर उम्मीदवार ने 30,000 रुपए सिक्योरिटी जमा कराई थी। अंगूरी स्कीम में लीग रहनुमाओं के इंतखाबात में कामयाबी पर जोहराने का अहतमाम। अली परवेज मलिक, बाऊ अख्तर, माजिद जहूर, खुर्रम रोहेल अस्कर समेत दीगर की शिरकत। लीगी रहनुमा बोले, आवाम की मोहब्बत का जवाब तरक्याती कामों से देंगे। पहले भी आवाम की खिदमत की, अब भी ये मिशन जारी रखेंगे। लेस्को समनाबाद डिवीजन में पैगाम यूनियन के एहतजाज का मामला। एक्सियन समनाबाद डिवीजन ने मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। लेस्को इंतजामिया ने 10 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी का मुजर सेहत अशिया खुरनोश बेचने वालों के खिलाफ एक्शन। पीआईए सोसाइटी जोड़े पुल, शरीफपुरा, बेदिया रोड, ग्रीन टाउन में छापे। गैर मयारी फिल्ट्रेशन प्लांट, रेस्टोरेंट, स्वीट शॉप, जूस कॉर्नर, पान शॉप सर्वे मोहर करवा दी गई। द्र
درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے، شہر بھر میں شجرکاری مہم جاری۔ قائم مقام چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار محمد شمیم احمد خان نے احاطہ عدالت میں برگد کا درخت لگایا۔ شجرکاری مہم میں بھرپور حصہ لینے کی اہمیت پر بھی زور۔ فلیٹیز ہوٹل میں قومی یوم اقلیت کی مناسبت سے کنونشن، سماجی، اقلیتی اور سیاسی رہنماؤں کی شرکت۔ میئر لاہور بولے، انسانیت تمام مذاہب کی بنیاد ہوتی ہے، ہمارے ملک میں بہت کچھ ہو چکا، آئیں مل کر اس کو ختم کریں۔ کیتھیڈرل چرچ میں قومی کمیشن برائے بین المذاہب کے زیر اہتمام کانفرنس، مقررین کا امن بھائی چارے کو فروغ دینے پر زور۔ بڑی عید سے قبل بڑی خوشخبری، ڈینگی ورکرز کی سنی گئی، محکمہ خزانہ نے عید سے قبل تنخواہیں اور بقایا جات جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ قربان کی آمد آمد، شاہپور کانجرہ منڈی میں کالے بادل کی دھوم۔ شاہپور کانجرہ میں ایک سے بڑھ کر ایک سونا جانور، قیمتیں بھی آسمان پر۔ منڈی میں خریدار کم، جانور دیکھنے والے زیادہ۔ اسپاٹ فکسنگ کا کیس، شہزیب حسن کی سزا میں مزید اضافہ، ایک سال سے بڑھ کر چار سال۔ 10 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی برقرار، ٹریبیونل نے سزا میں نرمی کی اپیل مسترد کر دی۔ پروفیسر نے گھٹنے ٹیک دیے، کرکٹر محمد حفیظ کہتے ہیں کیٹیگری بی ہو یا ای پاکستان کے لیے کھیلنے کو تیار ہوں، بی کیٹیگری میں شامل کرنے پر بورڈ سے تھوڑا خفا بھی ہوں، ٹویٹر پر اظہار۔ احسان ہے ہمارا پاکستان ہے، ہم آن ہم شان ہم اس کی جان ہے، ہم پاکستان ہے۔ اے وطن، پیارے وطن، پاک وطن، گلیوں اور بازاروں میں سبز ہلالی پرچم کی بہار، مارکیٹوں میں ملی نغموں کی گونج، ہر کوئی جشن آزادی دھوم دھام سے منانے کے لیے پرعزم۔ آزادی کا جشن، ہر کوئی تیاریوں میں مگن، بصارت سے محروم بچوں کا جوش و جذبہ دیدنی۔ گورنمنٹ اسکول برائے بلائنڈ کے طلبہ کی ملی نغمے گانے پر بھرپور تیاری۔ لاہور گرامر کالج کے لال کیمپس میں بھی یوم آزادی کی تقریب، طلبہ کی شاندار پرفارمنس۔ الحمرا کاؤنسل میں جشن آزادی کے حوالے سے کلچرل شو کا انعقاد۔